मोहन यादव ने अखंड भारत को लेकर एक बयान दिया। अब उनके इस बयान को लेकर भी सियासत गरमा गई है। इस पर कांग्रेस ने रिएक्शन दिया है। एमपी कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि भारत कभी खंडित नहीं था, भारत की एकता और अखंडता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। उन्होंने ये भी सवाल किया है कि 20 साल में एमपी में बीजेपी की सरकार रही है और 10 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी, उसके बाद भी क्या हिंदू खतरे में है? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि समूचा भारत खंडित है ही कहां। आपकी विचारधारा बार बार कोशिश करती है कि भारत खंड खंड में हो। भारत की एकता, उसकी अखंडता और उसकी संप्रभुता, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। भारत अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। मुख्यमंत्री जी, बार बार आप डराने की कोशिश ना करें कि एक दिन अखंड भारत होगा। आप डराते हैं, आपकी विचारधारा डराती है कि हिंदू खतरे में है। 20 साल से मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, प्रदेश देश में कई जगह आपकी सरकार है, उसके बाद भी हिंदू खतरे में है क्या? और राम मंदिर को लेकर दिग्विजय सिंह का भी एक बयान सामने आया। इनके बयान पर मंत्री प्रहलाद पटेल की तरफ से प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा कि जब कुछ अच्छा हो रहा है तो काला टीका लगा देना चाहिए। दिग्विजय सिंह भी यही काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी राम भक्त परंपरा से आते हैं, उन्हें बिना विवाद के राम भक्ति में बह जाना चाहिए। आनंद के उत्सव का समय आ गया, बहुत सारा जब बहुत अच्छा होने लगता है तो कहते हैं कि उसमें काला को झटोना भी लगा देना चाहिए। शायद दिग्विजय सिंह वही काम कर रहे हैं। और इस समय किसी भी विवाद में पड़ने से अच्छा है कि देश और दुनिया राममय है, हम सबका स्वागत करते हैं। और उनसे भी यही कहेंगे कि हम वो भी राम भक्त परंपरा से हैं, उस राम भक्ति में उनको भी बह जाना चाहिए। और कांग्रेस भी राममय हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ओरछा के श्री राम राजा मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया है। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार नजर आए, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे थे, सैकड़ों कार्यकर्ता साथ दिखे। तस्वीरें देखे। इस मौके पर जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा है। कहा है कि 1,00,000 कांग्रेस कार्यकर्ता अयोध्या जाएंगे, भगवान श्री राम से राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करेंगे। बात यह है कि जहां तक अयोध्या जाने का प्रश्न है, जाएंगे 100% जाएंगे, 1,00,000 लोग एक साथ जाएंगे, 1 कार्यकर्ता कांग्रेस के जाएंगे और भगवान राम के सामने आराधना करेंगे कि 1,00,000 से ज़्यादा बच्चे बेरोजगारी घूम रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा कर्जदार मेरा प्रदेश है। मेरे आज ही मेरी दो दो बहनों की असमत लूट ली और आज ही दो दो अधिकारियों को 2-3 दिन से रोज गोली मार रहे हैं। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। हे राजा राम, सद्बुद्धि दे इस सरकार को कि कम से कम ये सुधार करें।